हैं, वरना कभी कभार हट्टे कट्टे लोग ही आपसे ले जाते हैं, मतलब वो जिसका हक है उसको नहीं मिलता। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा हूँ, फितरे को बोझ समझते हैं, बस निकाल कर फेंकना है उसको किसी भी हाल में, कहीं भी चला जाए कोई मसला नहीं। और ऐसे लोगों को देते जो ऑटो रिक्शा की रिक्शा लेकर आए और टनों में भर के ले जा रहे हैं, मतलब इतना जमा हो गया फितरा कि तो रिक्शे में आया है वो पूरा लोडिंग रिक्शा लेकर, जिसमें पीछे पैसेंजर्स नहीं बैठते हैं और थैले भरे हुए हैं, और हर आदमी उसको ही दे रहा है, समझ रहे हैं? ये तो ठीक नहीं। अब वो कितना खाएंगे, वो ले आके बेच देता है पूरा, समझिए इस चीज़ को। तो मिस्कीन, गरीब देना है, और गरीब और मिस्कीन में थोड़ा सा फ़र्क है, ये भी आप समझ लें। यहाँ तो लफ्ज़ मिस्कीन का है, गरीब और मिस्कीन में फ़र्क ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं वो ये है कि गरीब मांग लेगा और रुपये दो रुपये में, लुकमे दो लुकमे में उसका मसला हल हो जाएगा, मिस्कीन वो होगा जो आपसे मांगेगा नहीं, आपको उसको पहचानना, डिटेक्ट करना है। हो सकता है आपका दोस्त हो लेकिन बोलता नहीं, समझ रहे आप, आपको पता ही नहीं चले कि मिस्कीन है बेचारा, ज़रूरतमंद है लेकिन बोलता नहीं, रुपये दो रुपये से काम भी नहीं होता, लुकमे दो लुकमे से काम भी नहीं होता इसका, समझे आप? वो डिजर्विंग है लेकिन वो अपने आप को नहीं बताएगा, बल्कि मिस्कीन ये है कि जो अपने आप को ऐसा मेंटेन करके रखेगा जिसको देख कर लगेगा नहीं कि इसको ज़रूरत है, मतलब अपनी गुरबत को वो इजहार नहीं करेगा लोगों के सामने, अपनी मुसीबतों को लोगों के सामने रखेगा नहीं कि मैं ऐसा हूँ, आपको पहचान लूंगा। तो बहरहाल हमको ऐसे लोगों को देने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। आइए दूसरा नुकता देखते हैं, मकसद को समझने के बाद मैं समझता हूँ इससे इसकी अहमियत भी पता चलती है। दूसरा नुकता ये, सदक़तुल फ़ित्र, ज़कातुल फ़ित्र, फितरा और फितराना, ये याद रखिए फ़र्ज है, ठीक है, ये देना ज़रूरी है हर उस शख्स के लिए जो दे सकता हो, इसमें कोई कोताही और पीछे नहीं रहना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जब इसका बाब बांधा अपनी किताब में, वो लिखते हैं बाब फ़र्ज़ी सदक़तुल फ़ित्र, वो लिखते हैं कि बाब चैप्टर सदक़ा फ़ित्र का फ़र्ज़ होना, सदका फितर का कंपलसरी होना, सदका फितर का बिल्कुल ऐसा जैसा फ़र्ज होना, वो लिखते हैं बाप चैप्टर ही ऐसा खोलते हैं इसका, समझ रहा? तो ये देना ज़रूरी है, फ़र्ज है, वाजिब है, कंपलसरी है, छूट नहीं है, बिना वजह नहीं देंगे तो आप बहुत बड़ा गुनाह करेंगे जिसके लिए तौबा वाजिब होंगी, अगर ना दे तो आप एक हराम काम कर रहे हैं कि एक चीज़ को आप रोक के रख रहे हैं जो आपका हक नहीं है, मस्किन और गरीबों का हक है। ये ना सिर्फ हमारे रोज़ों की कोताहियों को पाक करता है बल्कि इसका देना भी फ़र्ज़ ज़रूरी है, याद रखिए, मतलब एक तो दिया भी जा रहा है और बेनिफिट भी देता है, जैसे ज़कात, ज़कात का माना होता है पाक करना या इजाफा करने वाली चीज़, तो देना फ़र्ज़ है, देना भी है, और देने के बाद दो बेनिफिट भी मिलते हैं, माल पाक भी होता है और माल इजाफी भी होता है। तो सदक़तुल फ़ित्र भी देना है, वाजिब फ़र्ज़ है, और इसके बेनिफिट भी है दो, एक हमारे लर्जिश और कोताहियाँ रोज़े की ख़त्म होती, दो मिस्किन खाना खाते ईद के दिन, समझा? तो ज़रूरी है, तो ये फ़र्ज़ है, इमाम बुखारी ने बाब बांध दिया कि सदक़तुल फ़ित्र का फ़र्ज होना। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा फ़र्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र, हदीस के अल्फाज देखिए शुरू होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज किया, किस किस पर? आज़ाद पर, ग़ुलाम पर, मर्द पर, औरत पर, छोटे और बड़े पर, मुसलमान पर, एक सा खजूर, एक सा जौ बतौर सदक़तुल फ़ित्र अदा करना फ़र्ज़ किया है, और इसे लोगों की नमाज से निकलने से कबल अदा करने का हुक्म दिया है। तो इस हदीस में एक चीज़ तो वाज़ह है, इसको